हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा PUC लाइसेंस के लिए आप ऑनलाइन से कैसे अप्लाई कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है और कैसे आपको अप्लाई करना है। इसका मतलब आप स्मोकिंग टेस्टिंग सेंटर आप कैसे खोल सकते हो आपके एरिया में और अच्छा खासा पैसा आप कमा सकते हो, इस वीडियो के द्वारा आपको पता चल जाएंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, कैसे आपको अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसीड्योर है। तो इसके लिए वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, PUC लाइसेंस या स्मोक टेस्टिंग सेंटर खोलने के लिए आपको पहले इस पोर्टल में आना है, PUC.parivahan.gov.in। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पेज में आने के बाद आपको ऊपर में बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे होम पेज, रजिस्टर न्यू एंड ओल्ड PUC सेंटर, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन स्लिप, ऑनलाइन सर्विस में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे PUC सेंटर देखने के लिए, ऑनलाइन ओनरशिप के लिए, डाउनलोड फाइन रिसिप्ट के लिए, एप्लीकेशन स्टेटस देखने के लिए आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर बहुत सारे। उसके बाद आपको PUC सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड आप कर सकते हो। आपको हो जाने के बाद PUC सेंटर लिस्ट देख सकते हो, एरिया अप्रूव्ड इक्विपमेंट देख सकते हो। यहाँ पर आपको रजिस्टर न्यू एंड ओल्ड PUC सेंटर के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। पहले आपको यहाँ से आपका स्टेट सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपका नजदीकी जो भी RTO ऑफिस है उसको आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो आप यहाँ पर RTO ऑफिस आप यहाँ से वो पहले चूज कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर PUC सेंटर नेम, आप आपकी स्मोकिंग जो टेस्टिंग सेंटर आप खोलोगे उसका नाम आप क्या दोगे वही आपको यहाँ पर लिखना है। उसका नाम जो भी आप दोगे आपके हिसाब से वो यहाँ पर लिखना है। जैसे मैंने लिख दिया पर माया पोल्यूशन टेस्टिंग सेंटर। उसके बाद यहाँ पर ऑथोराइज पर्सन जो होंगे, जो मालिक होंगे, उसका नाम लिखना है। नीचे आपको यहाँ पर GST नंबर की ज़रूरत है, तो आपको पहले GST नंबर निकाल लेना है। वही GST नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आप यहाँ पर आपका जो GST नंबर वो आप यहाँ से डाल दीजिए। GST नंबर डालने के बाद आपको नीचे एड्रेस भी आपको डालना है। तो आप GST नंबर ध्यान से आप डालिए, बहुत बड़ी एक GST नंबर है वो डालना है। GST नंबर डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपका पूरी एड्रेस डालना है, जहाँ पर भी आप टेस्टिंग सेंटर खोलना चाहते हो। तो PUC सेंटर एड्रेस आपको यहाँ पर दे देना है। आप यहाँ पर आपका गांव या कस्बे का नाम, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, सब कुछ आप इस लाइन में मेंशन करिए। अगर इस लाइन में अगर नहीं आते तो आपको एड्रेस लाइन 2 में भी आपको डिटेल्स यहाँ पर आपको भरना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार मार्क्स है, तो एड्रेस लाइन 1 में कुछ लिखिए, 2 में भी आप कुछ कुछ लिखिए, यहाँ पर दोनों लाइन में लिखना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर पिन कोड आपको यहाँ से डाल देना है, आपका जो भी पोस्टल पिन कोड जहाँ पर आप खोल रहे हो PUC सेंटर उसका पिन कोड आपको यहाँ से डाल देना है। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर ऑथराइज पर्सन जो मालिक है उसका मोबाइल नंबर, उसका ईमेल आईडी आपको यहाँ पर डाल देना है। ऑफिस नंबर अगर कुछ भी है, ऑफिशियल फ़ोन नंबर, वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, उसके लिए ऑप्शन है। तो फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। ये सारा कुछ डिटेल्स डालने के बाद नीचे आपको यहाँ पर यूज़र नेम आपको क्रिएट कर लेना है। यूजर नेम पे जगह पे आप यहाँ पर मेल आईडी नहीं दे सकते हो, आप यहाँ पर फोन नंबर डाल सकते हो। तो यूजर नेम में आप आपका जो भी फोन नंबर वो डाल दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड में अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर और नंबर से वो पासवर्ड होना चाहिए, ऐसा कुछ पासवर्ड आप क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की यहाँ पर जरूरत है, जहाँ पर आप PUC सेंटर खोलना चाहते हो। तो जिस जगह पे खोलना चाहते हो उस जगह पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको देना है। इसके लिए आपको क्रोम में आपको न्यू टैब में गूगल में लिखना है लॉन्गिट्यूड सिंपली और लैटिट्यूड, यहाँ पर आपको लिखना है। ऐसा ही लिखते आपको फाइंडर मिल जाएंगे, यहाँ पर पहला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है वेबसाइट, यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सिंपली आप जहाँ पर जिस भी प्लेस में खोलना चाहते हो PUC सेंटर, उस प्लेस का नाम आपको लिख देना है। प्लेस नेम लिखने के बाद आपको सिंपली फाइंड बटन में आपको क्लिक कर देना है। फाइंड बटन में जब भी क्लिक करोगे आपको नीचे यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। ये जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको यहाँ पर दिख रहा है, यही आपको वो दोनों बॉक्स में आपको बिठा देना है। आप यहाँ पर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड देख सकते हो, मेरा पास यहाँ पर आ चुका है। आप इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट नहीं कर सकते, आपको यहाँ पर लिखना ही होगा। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपको मशीन टाइप में आप डीजल यहाँ पर चाहते हो या पेट्रोल चाहते हो। अगर डीजल चाहते हो तो पहला ऑप्शन, अगर पेट्रोल चाहते हो तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। जब भी डीजल चूज करोगे आपको यहाँ पर आपका जो भी मशीन आप लोगे उस मशीन का मैन्युफैक्चरर का नाम आपको देना है। आप अगर डीजल पेट्रोल दोनों ही लाइसेंस चाहते हो पॉल्यूशन टेस्टिंग सेंटर के लिए, तो आपको 2 बार अप्लाई यहाँ पर करना है।
यहाँ पर ध्यान रखिए, आपको दो बार अप्लाई करना है, एक बार डीजल के लिए अप्लाई करना है, एक बार आपको पेट्रोल के लिए अप्लाई करना है। तो ये अप्लाई करने से पहले आप जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग से पहले आप बात कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग से बात करने के बाद आपको यहाँ पर वही उसका वो जो मशीन नंबर आपको दोगे वही मशीन नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आप मशीन नंबर, मशीन मॉडल नंबर, अप्रूवल टाइप, मशीन सीरियल नंबर देना है। नीचे एरिया ऑटोमेटिक आ जाएंगे और यहाँ पर आपको मैन्युफैक्चरिंग ईयर 2024 ये जो है देना है, जो भी साल में आप खोल रहे हो उस साल को देना है। यहाँ पर रिप्लेसमेंट डेट, जिस भी डेट में आप अप्लाई कर रहे हो वही डेट आपको यहाँ पर बिठा देना है। यहाँ पर BS आपको 6 इंजन, लेटेस्ट मॉडल BS6 इंजन भी आपको यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद AMC डेट भी आपको यहाँ पर जिस भी डेट में आप अप्लाई कर रहे हो वही डेट आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। उसके बाद मशीन कैलिब्रेशन फॉर्म, वही डेट डालना है जिस भी डेट में आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये पर सारा जो डेट होंगे वो जो भी डेट में आप अप्लाई कर रहे हो वही डेट आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल्स एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। इसका मैन्युफैक्चर यहाँ पर मशीन कैलिब्रेशन टू डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल्स आप एक बार देख लीजिए। पहले अब मैंने डीजल यहाँ पर चूज किया, डीजल मीटर। उसके बाद मैंने यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का नाम दे दिया, मॉडल नंबर कंपनी से पूछ के आपको देना है। उसके बाद मशीन अप्रूवल टाइप आपको यहाँ से, यहाँ पर आप जब भी क्लिक करोगे आप ऑप्शन देंगे, यहाँ पर मार्स टेक्नोलॉजी IMC मैंने यहाँ पर दिया है, इससे ही मैंने मशीन लेना है। और मॉडल नंबर आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगे, वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मशीन अप्रूवल टाइप में आपको देखेंगे दो यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो एक्सपायर है, जो भी एक्सपायर यहाँ पर नहीं है दो यहाँ पर एक्सपायर दिखा रहा है, जो भी एक्सपायर नहीं है उसको ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। और मशीन सीरियल नंबर में आप सीरियल नंबर कंपनी से पूछ लीजिए, वही मशीन सीरियल नंबर आपको डालना है, वही मशीन आपको लेना है, जो भी सीरियल नंबर आप दोगे उसके हिसाब से। तो ये सारा कुछ डिटेल्स आपको ध्यान से फिल करना है। मशीन सीरियल नंबर जब भी दोगे अप्रूवल एजेंसी यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर आपके पास आ जाएंगे। अगर मशीन सीरियल नंबर नहीं लेते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मशीन सीरियल नंबर नहीं ले रहा है, तो इसके लिए आपको पहले मशीन में ASM आपको डालना है, क्योंकि मॉडल नंबर पे ASM पहले दिया हुआ है। इसके लिए यहाँ पर ऊपर में आपको ASM डाल के आपका मॉडल नंबर यहाँ पर डाल देना है। तो यहाँ पर ASM और आप जो भी सीरियल नंबर वो डालोगे यहाँ पर ऑटोमेटिक देख सकते हो वो यहाँ पर मशीन सीरियल नंबर ले लिया जाएगा। और नीचे जो डेट होंगे जिस भी डेट में अप्लाई कर रहे हैं वही डेट आप सारी जगह यहाँ पर बिठा दीजिए। तो यहाँ पर सारी कुछ डिटेल्स जो है यहाँ पर अच्छी तरीके से एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए। सारा कुछ डिटेल्स चेक करने के बाद आपके पास अगर पहले से ही पॉल्यूशन सेंटर का आप लाइसेंस आपके पास है तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग PUC सेंटर में क्लिक करके पहला लाइसेंस का डिटेल्स आपको देना है। और अगर नई आप न्यू सेंटर खोल रहे हो नया सेंटर तो आपको इसके यहाँ पर टिक देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको नीचे जो कैप्चा कोड दिख रहा है यहाँ पर कैप्चा कोड फिल करना है और नीचे आपको जो अमाउंट दिख रहा है यही अमाउंट आपको पे करना है। इसके लिए काउंटर पेमेंट पे काउंटर पेमेंट सेलेक्ट करके रजिस्टर बटन में आपको सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जब भी आप रजिस्टर बटन में क्लिक करोगे आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट सक्सेसफुली हो जाएंगे। सबमिट होने के बाद यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेंगे, इसको आपको नोट डाउन करके रखना है, इसी एप्लीकेशन ID को, इसको बाद में आपको जरूरत। इसके बाद इस एप्लीकेशन नंबर आ जाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड के लिए ऊपर में अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर आप पहले आपका एप्लीकेशन ID जो भी अभी निकला है वही एप्लीकेशन ID आप यहाँ पर लिख के रखिए और यहाँ पर बाद में एप्लीकेशन ID आप लिख दीजिए। यहाँ पर 20 डिजिट का एप्लीकेशन ID जो भी आपको मिला है वो आपको लिखना है। नीचे कैप्चा कोड दिख रहा है, कैप्चा कोड देने के बाद व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको क्लिक करना है। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन ID दे देते हैं। एप्लीकेशन ID आप अच्छी तरीके से दीजिए। एप्लीकेशन ID देने के बाद आपको नीचे जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये डिटेल्स देने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। कैप्चा कोड फिल करने के बाद व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है। व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स में जब भी क्लिक करोगे आपके सामने पहला डिटेल्स जो है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो ऑप्शन यहाँ पर आपको है यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करते आपके सामने ऐसा कुछ पेज आएंगे। इस पेज में आपको 200 KB के अंदर सारी डॉक्यूमेंट्स JPG या PDF फॉर्मेट में अपलोड करना। आपको 8 डॉक्यूमेंट्स चाहिए, 8 तरीके के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए। क्या क्या चाहिए आप यहाँ पर देख लीजिए। तो डॉक्यूमेंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हो, पहले है एग्जिस्टिंग AITC लाइसेंस बोथ साइट आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन साइट प्लान, जहाँ पर भी आप PUC सेंटर खोलना चाहते हो उस जगह का एक प्लान आपको इंजीनियर से करा लेना है, वही प्लान आपको अपलोड करना है। GST सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। आइडेंटिटी प्रूफ के हिसाब से आप यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, इसमें से कोई भी एक चीज़ डाल सकते हो। उसके बाद लैंड ऑक्युपेंसी ऑफ लैंड,
लीगल ऑक्यूपेंसी ऑफ लैंड, लैंड जहाँ पर आप खोल रहे हो पीयूसी सेंटर, उस वहाँ उस जगह पर, जगह का कोई भी एक कागज आपको यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद प्रूफ ऑफ बिजनेस एंटिटी, इसका मतलब आपका जो पीयूसी सेंटर खोल रहे हो उसका ट्रेड लाइसेंस अपलोड करना है। उसके बाद आपको वैलिड एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट, इसको आपको ये आपका मशीन जो भी आप ले रहे हो उसका वारंटी जो कार्ड वो यहाँ पर डालना है। और लास्ट में है वैलिड कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जहाँ से आप मशीन ले रहे हो वहाँ से आपको एक कैलिब्रेशन, इसका मतलब आप जो भी पेट्रोल का अगर ले रहे हो इस लाइसेंस, पेट्रोल का आपको यहाँ पर लाइसेंस सर्टिफिकेट मिलेंगे वो डालना है। अगर डीजल ले रहे हो तो डीजल का सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आपको यहाँ पर डालना है। तो आपको यहाँ पर मोटा मोटा यहाँ पर पहला जो ऑप्शन और लास्ट दो 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 ऑप्शन, ये तीनों ऑप्शन में आप जहाँ पर से भी मशीन ले रहे हो वहाँ पर से ही ये तीनों कागज आपको मिल जाएंगे। और साइट प्लान, जीएसटी आईडी प्रूफ, लैंड का और ट्रेड लाइसेंस, ये सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको बना लेना है। तो आप देख सकते हो मेरा जो सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है, सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मैं जेपीजी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर दिया है। और यहाँ पर आपको 1, 2, 3 करके आपको सीरियल नंबर लिखना है, उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करना है। सबमिट बटन में जब भी आप क्लिक करोगे देखोगे आपका जो यहाँ पर एप्लीकेशन डाउनलोड सक्सेसफुली सबमिट हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट्स भी यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। इसके लिए कुछ देर वेट करना है। आप देख सकते हो ऊपर में मैसेज आ रहा है, फाइल अपलोड सक्सेसफुली, व्यू द लिस्ट डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर मुझे दिखने को मिल जाएंगे। सारी डिटेल्स, डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट्स अगर कुछ भी गलत होता है, यहाँ पर पेंसिल वाले आइकन में क्लिक करके इसको मॉडिफाई भी आप यहाँ से कर सकते हो, इसका भी ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। और कौन सी डेट में आपने अपलोड किए थे वो दिखने को मिल जाएंगे, कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो भी यहाँ पर आपको दिखने को मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाने के बाद आपको फिर से पहला जो पेज यहाँ पर रजिस्टर न्यू ओल्ड पीयूसी, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन स्लिप का एक ऑप्शन मिलेंगे, एप्लीकेशन स्लिप वाले ऑप्शन में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। एप्लीकेशन स्लिप में क्लिक करने के बाद इसको ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको फिर से यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आईडी वो यहाँ पर आपको डाल देना है। तो यहाँ पर आपका जो भी एप्लीकेशन आईडी आपको मिला है वही एप्लीकेशन आईडी आप यहाँ पर डाल दीजिए। और नीचे आपका एक फ़ोन नंबर डालना है और नीचे कैप्चा कोड फिल करके व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स में आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद जब भी व्यू एप्लीकेशन में क्लिक करोगे इसको ओके कर दीजिए। नीचे डाउनलोड का बटन मिलेंगे, डाउनलोड बटन में क्लिक करने के बाद आपका जो फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड होकर आपके पास आ जाएंगे। तो देख सकते हो मेरे पास जो एप्लीकेशन फॉर्मेट मेरे पास आ चुका है, यही एप्लीकेशन फॉर्म आपको सिग्नेचर करके इसके साथ, इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ सारी जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए थे वो सारी डॉक्यूमेंट्स जेरोक्स करके आपको आपका जो नज़दीकी आरटीओ ऑफिस वहाँ पर जाके आपको सबमिट कराना है। और उसके बाद आपको वहाँ से फीस पेमेंट करके आपको वो लाइसेंस कुछ दिन के अंदर वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको वो मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको पॉल्यूशन सेंटर खोलने के लिए आपको लाइसेंस ऑनलाइन से अप्लाई करना है, बहुत आसान और ईजी तरीके से।